नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको आपकी कक्षा 9वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के रचनात्मक लेखन में संवाद लेखन। जैसा कि इसके पूर्व वीडियो में भी मैंने संवाद लेखन के बारे में आपको बताया था, संवाद लिखने के लिए कुछ आवश्यक बिंदु है, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे संवाद की भाषा सरल हो, सहज हो, ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाए। संवाद लेखन में सरल तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। संवाद लिखते समय भाषा जो प्रयोग किया जा रहा है वह सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहिए। भाव विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। संवाद लेखन के अंत में एक बार पढ़कर उसे दोहरा लेना चाहिए ताकि अशुद्धियों का निराकरण किया जा सके। इस प्रकार से इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप संवाद लिखेंगे तो आपका संवाद बहुत ही सुंदर, आकर्षक और व्याकरणिक दृष्टिकोण से अच्छा होगा। आइए जानते हैं उदाहरण के माध्यम से कि किस प्रकार से संवाद लिखा जाए। एक हमने उदाहरण लिया यहाँ पर, बढ़ती गर्मी और कम होती वर्षा के बारे में दो मित्र रवि और रमन बात कर रहे हैं, इसको संवाद के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर दो पात्र है, रवि और रमन। रवि रमन से कहते हैं, रमन कैसे हो? रमन फिर कहते हैं, मत पूछ मित्र, गर्मी से बुरा हाल है। रवि उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, गर्मी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि वर्षा भी तो नहीं हो रही है। रमन, 24 जुलाई भी बीतने को है पर बादलों का नामो निशान भी नहीं है, वर्षा ऋतु आ गई है फिर भी बारिश नहीं हो रही है। तब रवि अपने मित्र रमन को कहते हैं, मेरे दादाजी कह रहे थे पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी और तब वर्षा भी खूब हुआ करती थी। ठीक कह रहे थे तुम्हारे दादाजी, तब धरती पर आबादी कम थी परंतु पेड़ पौधे की कमी नहीं थी, इसलिए वर्षा भी अधिक होती थी। वर्षा और पेड़ पौधों का क्या संबंध? ऐसा अपने मित्र से रवि पूछते हैं। तो रमन उनको बताते हैं, पेड़ पौधे वर्षा लाने में बहुत सहायक हैं, जहां अधिक वन है वहां वर्षा भी खूब होती है, इससे गर्मी अपने आप कम हो जाती है। फिर तो हमें भी अपने आसपास खूब सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ऐसा रवि अपने मित्र रमन को कहते हैं। रमन कहते हैं, और हरे भरे पेड़ों को कटने से बचाना भी चाहिए। रवि उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस गर्मी के बाद वर्षा ऋतु में खूब पौधे लगाएंगे। रमन कहते हैं, यही ठीक रहेगा। इस प्रकार से ये दोनों बढ़ती गर्मी और कम होती वर्षा के कारणों के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं दूसरे उदाहरण। दूसरे उदाहरण में हमने एक प्रश्न लिया है, गर्मी की ऋतु में पानी की कमी से उत्पन्न समस्या से परेशान दो महिलाओं की बातचीत का संवाद लेखन कीजिए। यहाँ पर दो महिला है, गीता और सीमा, दोनों आपस में बात कर रहे हैं गर्मी की ऋतु में पानी की जो समस्या है उनके बारे में। गीता अपने सीमा से कहती है, अरे सीमा क्या बात है, कुछ परेशान सी दिख रही हो। फिर सीमा कहती है, क्या बताऊं गीता, न कल दिन में पानी और न रात में, गर्मी आते ही बिजली की तरह ही पानी का संकट शुरू हो जाता है। फिर सीमा उनसे कहती है कि बिजली न आने पर जैसे तैसे झेल भी लेते हैं परंतु पानी के बिना बड़ी परेशानी होती है, ये पानी की समस्या एक गंभीर समस्या है। फिर गीता कहती हैं, आखिर परेशानी क्यों ना हो,
नहाना धोना खाना बनाना आदि काम पानी से ही तो होते हैं। उनके उत्तर में सीमा कहती है, अब तो गर्मी भी अधिक पड़ने लगी है, इससे नदियां तक सूख जाने लगी है। आखिर इन्हीं नदियों का पानी शुद्ध करके शहरों में घर घर भेजा जाता है। ऐसा जब सुनती है तो गीता कहने लगती है, पिछले सप्ताह मैंने देखा था कि पास की बस्ती में कई नल खुले थे, 2-3 की टोटियाँ टूटी हुई थी और उनसे पानी बहा ही जा रहा था। ऐसे पानी की बर्बादी को कोई रोक नहीं रहे थे और इस भीषण गर्मी में पानी की कमी से अनेक समस्याएं उत्पन्न भी हो रही है। ऐसा जब सुनती है तो सीमा गीता से कहती है, पानी की यही बर्बादी तो जल संकट को जन्म दे रही है, वहाँ में पानी की बर्बादी अविलंब बंद कर देना चाहिए और पानी बचाना चाहिए ताकि गर्मी की ऋतु में जो पानी की समस्या है वह कम हो जाए। तो ये रहे संवाद लेखन के प्रारूप और उदाहरण। इस प्रकार से आप संवाद लेखन कर सकते हैं। कोई भी विषय लेकर आप उनमें 2 या 3 व्यक्तियों के बीच संवाद को लिख सकते हैं। यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और 5 अंक के लिए पूछे जाते हैं। अब आपको अभ्यास कार्य में ये जो 2 संवाद लेखन के प्रश्न दिए जा रहे हैं उनको आपको करना है। एक वृद्ध किसान अपने खेतों के पास की खाली जमीन में पौधे लगा रहा था और उसके और बालक अक्षय के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। प्रश्न 2, शहरों में बढ़ते प्रदूषण के संबंध में अंकिता और तानिया के मध्य होने वाले संवाद को लिखिए कि शहर में किस प्रकार से प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। 2 सहेली है अंकिता और तानिया, इसको आपको संवाद के रूप में लिखना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे।